In the series of busting popular myths, today I shall talk about a very popular myth, and that is that cardio exercises are the only prescription for weight reduction and strength building exercises are not the solution for weight reduction. तो मतलब कोई लड़की मोटी है तो उसने जो है ट्रेडमिल पर दौड़ना है या साइकिल चलानी है और उसको करते रहना है, हल्के हल्के कुछ तेजी से तो उससे होगा नहीं, वो करती रहेगी, पसीना निकलता रहेगा एंड शी फील्स कि ये ही तरीका है. ये तरीका नहीं है. आपको बैलेंस्ड एक्सरसाइजिंग करनी है. खाली कार्डियो एक्सरसाइजेस से जो है वेट रिडक्शन अच्छा नहीं होता. एक चीज मैं आपको बताता हूं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से इम्पैक्ट क्या होता है. जब आप स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेस करते हैं और कंसिस्टेंटली करते हैं तो आपकी बॉडी में जो है मसल मास जो है वो आपका इंक्रीज होता है. और जब मसल मास इंक्रीज होगा तो अगर बॉडी वेट उतना ही रहा तो आपका फैट परसेंटेज कम हो गया और मसल परसेंटेज हायर हो गया. ठीक, ये तो एक चीज हुई. अब इसका इम्पैक्ट लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा है. लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा इसलिए है कि जब आपने अपना मसल मास इंक्रीज कर लिया इन प्रोपोर्शन टू द फैट मास, व्हाट हैपन्स इज के जो है आपका द अमाउंट ऑफ कैलोरीज विच मसल्स विल यूज एट रेस्ट is going to be much higher than the calories which fat will use. Because fat ne use karna nahi hai, to muscle ko zyada chahiye to keep it its consumption is higher. Isliye jo hai strength building exercises jo hai wo bahut important hai fat reduction ke liye. To main ek detail mein fir baat karunga basal metabolic rate wagaira ki, वो आज नहीं समझाते, मोटी मोटी मैं आप बात समझता हूँ. मेरा अगर सजेशन आप लेते हैं तो मैं खास तौर पे लड़कियों को देखता हूँ, वो ट्रेडमिल पर भागती रहती हैं, साइकिल चलाती हैं वजन कम करने की. मैं उन्हें दो सजेशन दूंगा. एक तो जब आप अपना जो है ये साइकिल चलाते हैं और अपना जो है ट्रेडमिल करते हैं तो उसकी ड्यूरेशन जो है वो आप 25-30 मिनट से प्लस लेके जाइए. आप जो ये 10-15 मिनट वाला तक करते हैं ना उससे बात बनने वाली नहीं है. मैं अभी इसकी साइंस में नहीं जाऊंगा, अभी यू जस्ट टेक माय वर्ड फॉर इट, बट आई विल गो इनटू द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स आल्सो. तो पहली बात तो जब ये कार्डियो करते हो तो उसे कंसिस्टेंटली सस्टेन करिए 25-30 मिनट तक, एक बात. दूसरी बात जो है स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस ज़रूर करिए, क्योंकि स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस से आपका मसल मास बढ़ेगा और वो जो है आपकी कैलोरी बर्निंग एट रेस्ट जो है इंक्रीज करेगा. तो उससे आपको इम्पैक्ट काफ़ी होने वाला है. अब आते हैं एक प्रैक्टिकल बात. प्रैक्टिकल बात ये है, वेट रिडक्शन से कनेक्टेड ही मैं बात कर रहा हूँ, कि आपके जो है बॉडी में सबसे बड़ा मसल ग्रुप जो है वो थाई. आपको क्या करना चाहिए, ये जो है मसल ग्रुप इसको टैकल करिए. आप फुल स्क्वाट, हाफ स्क्वाट, लंजेस, इन एक्सरसाइजेस को करिए दबाकर. और मैं लड़कियों को देखता हूँ या तो खाली ही करती हैं, फ्री हैंड करती हैं एक्सरसाइजेस ये, और थोड़े थोड़े 10-10, 15-15 स्क्वाट लगाती हैं. 10-15 स्क्वाट से कुछ नहीं होने वाला. आप स्क्वाट लगाइए कम से कम 40-50, तब जाके कुछ इम्पैक्ट आना शुरू होगा. और जैसे ही आपकी मसल की कैपेबिलिटी थोड़ी बिल्ड हो जाती है तो उसके बाद जो है वेट के साथ करिए ये एक्सरसाइजेस. मतलब स्क्वाट जो है अगर आप करें तो इफ़ यू आर 50 kg गर्ल देन योर एम शुड बी टू डू योर फुल स्क्वाट्स विद नथिंग लेस देन 25-30 kg ऑन योर शोल्डर्स. उससे हल्के हल्के में करेंगे आपके मसल में बात बनने वाली नहीं है. ये जो है ना नज़ाकत में रहना, ग्लव्स पहन के वो छोटे छोटे रंगीन डब्बे में देखता हूँ करती रहती हैं लड़कियाँ, उनसे कुछ नहीं होता, वो टीवी में देखने में अच्छे लगते हैं,
उससे आपकी ना स्ट्रेंथ बिल्ड होती ना बॉडी बिल्ड होती, ठीक है। तो ये आप करिए, ये आपको फैट रिडक्शन में कहीं ज्यादा मदद करेगा। जो आप पसीना निकालने के चक्कर में, यस पसीना निकालना है, कार्डियो करिए, लेकिन ये इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। आप करके देखिए इसको प्रोपोर्शन में ला के, आपको जो है करीब महीना डेढ़ महीने में इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। इससे कनेक्टेड अब मेरे दिमाग में एक और सवाल जाता है कि लड़कियों को बड़ी चिंता रहती है कि ना मस्कुलर अपियरेंस ना हो जाए। वो लगता है वो जो है 15 दिन यू नो बारबेल और डंबल उठाएंगे और वो श्वार्ज़नेगर की बाप लगने लगेंगी। ऐसा कुछ नहीं होता, आपका जेनेटिक मेकअप होता है उसके हिसाब से मसल बिल्डिंग होती है, और कितना टेस्टोस्टेरोन वगैरह है परसेंटेज उसके हिसाब से यू नो बॉडी का अपना अपना टेंडेंसीज होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जो है श्वार्ज़नेगर जैसे नहीं लगने लग जाएंगी, और जो है एक्चुअल में आपकी थाइज वगैरह की शेप बेटर होंगी। आप स्टेफी ग्राफ या कोई भी जो मॉडर्न लड़कियां टेनिस की प्लेयर्स हैं, बैडमिंटन की आप देखिए, पीवी सिंधु को ही आप देखिए, वो कितना हाफ स्क्वाट वगैरह वेट करती होंगी, मेरे को मालूम नहीं है, पर डेफिनेटली करती होंगी, तभी स्प्रिंग होगा उनके पास में। उनका देखिए कितना मस्कुलेचर है, कितना डेंस है उनकी थाइज वगैरह, हार्डली तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसकी चिंता मत करिए, एक्सरसाइज करिए, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, इम्प्रूवमेंट होगा, फैट रिडक्शन बेटर होगा और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, पोस्चर भी इम्प्रूव होगा। तो इस हिसाब से प्लान करके अपना एक्सरसाइज करके, थैंक यू वेरी मच।